बस से 100-200 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं दूरी पे, तो ये मेडिसिन खा ले। इससे आपको ना कि चक्कर आएगा, ना आपको वोमिटिंग होगा, ना आपका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एडी रमन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेडिसिन। आज हम आपको ऐसे मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको भी वोमिटिंग आ ही जाती है, लेकिन 100% में 2% को ही वोमिटिंग आती है। अक्सर बस में सफ़र करने वालों को वोमिटिंग आती है। जब बस चलती है तो उसका मन चकराने लगता है, जिसके वजह से वो उल्टी कर देती है। उसके बाद वीकनेस के भी वजह से उल्टी होता है, उसके बाद सर दर्द भी होता है, उसके बाद बहुत सारे काउजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई महिला, अक्सर ये चीज़ महिला को ही होता है, अगर कोई महिला बस में सफ़र कर रही है, आपको मैं बता दूं अपने जानकारी के लिए, मेरी जो पर नानी थी उसको नाव पे भी उल्टी हो जाता था, वोमिटिंग उनको नाव पे भी हो जाता था। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा मेडिकेशन लाए हैं जो आप खा के ट्रेवल कर सकते हैं। अगर जिस पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है वोमिटिंग वगैरह की, कि हम गाड़ी पे चढ़ेंगे तो हमको उल्टी हो जाएगी, अगर ऐसा डर है, तो उनके लिए हम खास करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको हम बताएंगे दवाई का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वर्टिकोन लिखा हुआ है। ये दवाई जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये दवाई आपको अपने मार्केट मिल जाएगी, 50 रुपये इसका दाम है। ये आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी मेडिकल स्टोर पर यह दवाई आपको अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों चलिए बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे, इसको खाएंगे क्या क्या और खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। ये दवाई का यूज हम करेंगे अगर हम कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस समय इसका यूज करेंगे। अगर हम मान के चलो कि बस से 100-200 किलोमीटर दूरी जा रहे हैं दूरी पे, तो ये मेडिसिन खा ले। इससे आपको ना कि चक्कर आएगा, ना आपको वोमिटिंग होगा, ना आपका हेडेक होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यही है दोस्तों, ये ज़्यादा किडनी और लीवर पर असर करता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये दवाई का यूज़ बहुत कम करें। अगर जिस पेशेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि नहीं हमको उल्टी हो ही जाएगा, हमको दवाई लेना जरूरी है, हम जाएंगे तो हमको हो ही जाएगा वोमिटिंग, तो उनके लिए हम ये बात कह रहे हैं। जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है कि नहीं हमको उल्टी होना स्वाभाविक बात है, तो उनके लिए ये मेडिसिन हम लाए हैं, वर्टिगोन नाम है मेडिसिन का। ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे, ये आप लेके आप इसका सेवन करेंगे। जब भी आप जाएंगे एक टैबलेट खा लेंगे, ऐसे तो इसको कहा जाता है मेडिकल टर्म में SOS। SOS का मतलब होता है जब जरूरत पड़े तब इसको लेना है, ऐसे ये रखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से कि ट्रेवल करते समय कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए जो वोमिटिंग या चक्कर जैसा मन ना करे। ओके दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें प्यार दीजिएगा, धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के पेश करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।